नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने फंडिंग मामले में मौलाना रहमतुल्ला मीर कासमी को समन भेजा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रसिद्ध इस्लामिक स्कॉलर मौलाना रहमतुल्ला मीर कासमी को एक कथित आतंकी फंडिंग मामले में तलब किया है। एक अधिकारी ने बताया कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक केस में आईपीसी की धारा 120B 153A के तहत यूएपीए अधिनियम 1967 की धारा 10, 13 और 22 सी के तहत धन जुटाने के एक मामले में जांच कर रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर और अन्य क्षेत्रों में युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के उद्देश्य से गैर कानूनी गतिविधियों के लिए उनका उपयोग किया जाता है। इन्हीं मामलों से संबंधित कुछ सवालों के जवाब देने के उद्देश्य से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कैंप कार्यालय चर्च लेन सोनवर श्रीनगर में रिपोर्ट करने का निर्देश मौलाना रहमतुल्ला मीर कासमी को दिया गया है। इसी बीच में सूत्रों ने बताया कि मौलाना कासमी खुद को जारी समन को लेकर श्रीनगर स्थित नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कार्यालय पहुंच चुके हैं।